आज तो इतनी भगवाने के बाद भी हम सरप्राइज थी यार, इंजन लाइट नहीं आ रही। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज है संडे, संडे के बज रहे 6:35 एज यूजुअल, और हम निकल गए हैं एक छोटी सी राइड पे। यहाँ पे एक बहुत शानदार जगह है गाइस। एक्चुअली हम लेट है वहाँ पे, अगर हम थोड़ा जल्दी पहुँचते तो हमें दिखता काफ़ी खूबसूरत सनराइज। वैसे सनराइज़ नहीं, वहाँ से ज़्यादा अच्छा सनसेट दिखता है मेरे ख्याल से। और चलते हैं आज इस राइड में। हमारे साथ एक नई चीज़ जुड़ी है जो मैंने मतलब ले तो काफ़ी पहले ली थी, पर मैं उसको पहन आज रहा हूँ। वो क्या है मैं आपको दिखाऊंगा आज, उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। और सामने चल रहे हैं बॉबी भैया। बॉबी भैया अपनी जावा 42 में, ओ हो 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 भाई, पता मैं 2 संडे के बाद राइड कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड करने में। और सरप्राइजिंगली कल बहुत बारिश हुई थी, तो आज का मौसम इतना ठंडा है भाई कि हद नहीं। और मैंने कल ही फ्यूल अप भी करा लिया था, तो आज फ्यूल की हमको कोई टेंशन होने नहीं वाली। ये देखो स्टंट बाज, अब ये होगी गाड़ी जंप। ओ भाई शानदार। तो यार ये राइडिंग जो बूट्स मैंने लिए तो लिए, पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है इनको पहन के चलाने में। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइट भी हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हैं। मतलब बड़े क्या मतलब, हाँ ठीक है। तो ये काफ़ी बजट में लिए हैं मैंने। मतलब आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो राइडिंग, तो दिस कैन बी द बेस्ट यू कैन बाय ऑफ मनी। बस यार थोड़े गियर डालने में दिक्कत हो रहे हैं, खैर कोई नहीं। अभी तो काफ़ी अच्छी स्पीड हम चल रहे हैं, सुबह के 6:40 और इंजन लाइट नहीं आ रही गाइस। आप देख सकते हो कंटिन्यूसली बाइक 90+ चल रही है पर इंजन लाइट नहीं आ रही, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस। इसमें मैं लंबा हो गया शूज़ में यार, ये लेकिन बहुत फंस रहा है, टाइम लगता है, है ना। तो गाइज मैं आपको उतर के दिखाता हूँ कौन से शूज़ लिए मैंने। ये देखो गाइज ये शूज़ लिए कुछ मैंने, ये है ईगो इटाली के बूट्स। बताओ कमेंट करके कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। बाइक से एकदम मैचिंग है। और बॉबी भी अभी फ्यूल भरा रहे हैं। बहुत रैंडम स्टार्ट हो गया ये, तो अभी मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ हम लोग बहुत लेट है शायद, बिना किसी देरी के जल्दी से फ्यूल अप करते हैं। हमारी गाड़ी में तो अच्छा खासा फ्यूल है और जल्दी से भागते हाईवे की ओर। इस जगह को शायद आप याद कर लिए होंगे, अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा है तो आपको शायद याद होगा कि नहीं होगा। अगर जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये हम जा रहे हैं बमनिया कुंड की ओर। आपको याद होगा जो मेरी पहली राइड थी, पहली ऑफिशियल ग्रुप राइड, वो यहीं की थी बमनिया कुंड की, जहाँ पे मैं सबसे मिला था। तो वो फीलिंग बहुत मस्त है, वही सब याद आ रहा है। यहीं पे हम रुक रुक के जा रहे थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था एक्चुअली, तो हम बहुत भटक भटक के जा रहे थे। और यार बहुत मज़ा आ रहा था, हम करीब उस दिन 10-12 बाइकर्स थे। जो मज़ा आ रहा था उस दिन गाड़ी चलाने में, उस दिन अपने विमान को हमने पहली बार ग्रुप राइड में चलाया था। मेरे ना शूज़ पूरे गंदे हो गए हैं, पता नहीं मैंने पानी में कहाँ कुदा दी गाड़ी, गाड़ी भी पूरी गंदी हो गई है, जूते भी पूरे गंदे हो गए हैं। इन्हीं नज़ारों को लुत्फ़ लेते हुए मैंने अपनी पहली ग्रुप राइड की थी यार, और आज मैं कितने टाइम के बाद आ रहा हूँ, कितना डिफरेंस आ गया उस टाइम में और इस टाइम में। अब उस टाइम ना मेरे पास जैकेट था, मैंने उस दिन ग्लव भी नहीं लिया था, मेरे पास एक नॉर्मल टी शर्ट थी, एक नॉर्मल जीन्स, बस पुराना वाला मेरा हेलमेट, उस समय SJ कैम था मेरे पास जिसमें मैं माइक भी नहीं लगाता था। कैन यू बिलीव भाई, उस व्लॉग को अगर आप देखोगे उसमें IS 2.7-2.8 के व्यूज़ होंगे, और उसमें यार माइक ही नहीं है, उसमें आवाज़ ही इतनी फट के आ रही है। अब मैं वापस देखता हूँ ना अपने पुराने व्लॉग, तो मेरे को लगता है यार मैं क्या ही करता था। पर ठीक है, धीरे धीरे ही आप इवेंचुअली ग्रो होते हो, आप एक बार में तो नहीं ग्रो होते हो। खैर कोई नहीं, हम सीख रहे हैं, अभी सीखने का स्टेज चालू है। हम फोटोज ले लेते हैं गाइस यहाँ पे बाइक लगा के। गाइस ये देखो जूते का क्या सॉलिड हाल हुआ है, और ये बाइक तो खैर धुल के नहीं आई थी, ये तो गंदी है। वो बेचारी एक महीने से धुल के, एक महीने से हम लोग इसको प्लान कर रहे धुलाने का पर नहीं धुला, ये तो धुल के आई थी। और इसकी हालत देख लो, पूरी चमक रही थी ये, मैं रोज़ इसको पोछता हूँ, रोज़ क्लीन करता हूँ, सॉलिड गंदी हो गई है। खैर चलते हैं यहाँ से, 4-5 किलोमीटर और होगा
है ना गाइस। चलते हैं अब आपको लोकेशन पे मिलते हैं, रास्ते में अच्छे अच्छे सीनरीज दिखाते हैं और फुल मजे करते हैं। ऑफ रोड है 5 किलोमीटर का, वाह। यार यहाँ के ना टर्न्स बहुत प्यारे हैं बट ब्रेकर्स हैं टर्न्स के बीच में, तो यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा लीन करने में, क्योंकि पता चला लीन कर रहे और बीच में आ गया ब्रेकर तो पोपट हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगी फिर गाड़ी। और ये बूट्स में मेरे को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, पर यार ये बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं मेरे को, मतलब कंफर्टेबल इन द सेंस पैर रखने में, गाड़ी चलाने में, गियर लगाने में अभी उतने कंफर्टेबल नहीं लग रहे, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी यूज्ड टू हो जाऊँगा। यार क्या ही खूबसूरत जगह है यार ये बमनिया कुंड, मऊ के पास, इंदौर के पास काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है गाइस। अगर आप भी यहाँ रहते हो तो यार क्या कर रहे हो घर बैठे बैठे, हाँ मतलब ब्लॉग देख लो ब्लॉग देखने के बाद निकल जाओ यार, निकल जाओ मज़े करो, हाँ मज़े करने चाहिए सबको। ओके आज एक और चीज़ का टेस्ट हो जाएगा, आपने देखा हम कितने मस्त तरीके से बाइक भगा रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी पता चल जाएगी यार इसकी इंजन लाइट कब आती है। आज तो इतनी भगाने के बाद भी हम सरप्राइज्ड कि यार इंजन लाइट नहीं आ रही, हाउ कैन बी पॉसिबल। हाँ गुड आइडिया, कैमरा बंद कर देता उधर भी है भाई शादी। ओ यार कॉफी भैया मानते ही नहीं है, पूरा धूल धूल पूरा धुआं 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 कर दिया। यार जब मैं आया था तो ऐसे तो रास्ते नहीं थे बमनिया कुंड के, बदल गए होंगे क्या पता मैं हर राइड में सोचता हूँ यार अब ऑफ रोड नहीं होगा, अब ऑफ रोड नहीं होगा, पर हर राइड एंड होती है ऑफ रोड से। चलो खड़े हो जाते हैं चौथे गियर पे, गाड़ी नहीं तीसरे पे ही ठीक है, यार गियर भी नहीं लग रहा खड़े होके। मेरे पुराने में स्पोर्ट्स शूज़ में राइड करता था इससे पहले, तो उसमें मेरा इतना कॉन्फिडेंस था यार कि मैं लीन करूँ सैडल करूँ, मैं सैडल करते करते लीन करते करते गियर चेंज कर देता था, मानोगे। अच्छा ये क्या, ओ भाई मेरा पैर मुड़ गया, पता नहीं यार क्या है रास्ते यहाँ के, तो यार यहाँ पे तो सैडल ही करना पड़ेगा। हाँ ये रास्ता शायद वही है, हाँ ये रास्ता वही है, तो यहाँ पे अपन खड़े हो लेंगे। देखो गाइस बहुत सिंपल तरीका है, गाड़ी को जाने दो, कुछ मत करो आप, गाड़ी को कंट्रोल मत करो ज़्यादा, गाड़ी जैसे जा रही है जाने दो। हर गियर ही नहीं लग रहा यार, अब मेरे को याद आ गया गाइस बमनिया कुंड का रास्ता, तो अब नो टेंशन। ओह यहीं पे हमने जब हम लास्ट बार आए थे ना गाइस, तो हमने यहीं पे गाड़ियाँ अपनी पार्क की थी, आज हम थोड़ा सोच रहे हैं नीचे लेके जाने का, तो देखते हैं कहाँ पार्क करते हैं गाड़ी। और ये देखो वाटरफॉल पूरा सूखा हुआ है, लास्ट तक हिमालय इसी रोड पे चलाना था। बाप रे यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल हो रहा था, और ये देख सकते हो गाइस मतलब कैमरे में तो क्या ही पता चल रहा होगा पर ये बहुत खतरनाक है। और लास्ट पर वाटरफॉल काफी मस्त था, मैं आपको वीडियो अटैच करके जरूर दिखाऊंगा। फेंक दिया सारा सामान, बैग में है हमारे चखना, चखना मतलब गलत मत समझना खाना पीना, और पता नहीं बॉबी भैया कहाँ जा रहे हैं, तो चल लेते हैं एक बार नीचे, शायद ही नीचे ही उतर गए, वो देखो यहाँ बैठे। अरे ये क्या कर रहे हो भाई, गहराई नाप रहा हूँ ऐसे कौन गहराई नापता है जब आगे नहीं बढ़ रहे तो आपको का आगे बढ़ा लिया 100 फुट 200-300 फुट होगा कम से कम गाइस, और इतनी ज़्यादा पट रही है पास जाने से कि हम लोग लेट के नीचे देख रहे थे। और बिलीव मी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये वाटरफॉल, जब ये पूरा फुल फ्लेज में होता है जैसे पिछले साल था, तो यार यहाँ पे ना पूरा पानी पानी होता है, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं पूरा पानी पानी होता है, यहाँ से पूरा पानी बह रहा होता है, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक वहाँ तक पूरा झरना बहता है, खतरनाक। मान भी जाओ उठ भी जाओ गाइस टाइम आ गया इस खूबसूरत जगह को अलविदा कहने का, हमने हेलमेट और जैकेट यहाँ धूप में ही छोड़ दिया था, उसके वजह से वो पूरा गर्म गर्म हो गया है, और अभी हम कर रहे हैं ट्रैकिंग। यार ये शूज़ बढ़िया है ट्रैकिंग के लिए भी, ग्रिप अच्छी है इसमें, बस गियर लगाते नहीं बनता, तो उसके लिए थोड़ा यूज़ टू होना पड़ेगा। बाकी हम यहाँ आराम से कितने देर बैठे होंगे, 1.5 घंटे 7 बजे बहुत ज़्यादा देर हो गई है गाइस, 1.5 घंटे मिनिमम हो गए हमको बैठे हुए, काफ़ी सारी बातें की, खाया पिया और हम निकल रहे हैं। बहुत शांति थी यहाँ पे, कोई नहीं था आज तो बहुत मज़ा आया, मी टाइम हो गया। अब चलते हैं घर पहाड़ों में आए थे मेंटल हेल्थ ठीक करने
यहाँ आके पता चला शारीरिक भी ज्यादा जरूरी है। ओह माय गॉड, गाड़ी मुड़ती भी तो नहीं है इधर। इधर ही से चढ़ा लूँ क्या? इधर ही से चढ़ा लेता हूँ। हो भाई खतरनाक। हो ड्रिफ्ट भाई। मैं वाइजर बंद कर लूँ। अलग आग मचा रहे भाई। अच्छे चढ़ेगी पहले जावा। ओके अरे पत्थर ही उड़ा दिए भाई। यार इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता। मैं चढ़ाता हूँ। ओहो फुल पावर। अरे भाई यार बॉबी भैया आज फुल मूड में यार। ये देख रहे हो गलत चढ़ गई। गलत हो गया भाई गलत। भाई पता नहीं कहाँ ही पहुँच गए हैं। गाइस यहाँ पे रुके थे गुरु कृपा पे नाश्ता करने के लिए। लिया है समोसा पोहे अमूल कूल और ये निम्बूस। तो यहाँ पे खा लेते यार क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। बॉबी भैया तो अपना हेलमेट उतार के बैठ गए थे। बोले मैं तो नहीं चला रहा। इसलिए फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए नाश्ता करते हैं। तो गाइस फाइनली घर पहुँच गए। ये रखा हुआ हेलमेट। और ऐसी कोई मेरी हालत हो गई है काफ़ी ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। जैसे तैसे घर आए अभी फ़ैन चालू किया है और आराम से बैठा हुआ इधर। और अगर मैं आपको इस जूते का रिव्यू दूं यार ये जूते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लौटते वक्त मेरे को गियर शिफ्टिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसे कुछ स्ट्रैप मिलेगा आपको। उसके बाद साइड में ये चेन मिलेगी। सेम स्ट्रैप इधर भी मिलेगा। आप इसको खोल के ये चेन नीचे कर सकते हो। मतलब ठीक ठाक लेंथ है इसकी। बहुत ऊपर तक नहीं है। ज़्यादा ऊपर चाहिए भी नहीं भाई। नीचे तक सही है। एकदम कंफर्टेबल शूज़ रहते हैं। मेरे को 6 नंबर हो रहा है। मैंने अपने लिए 6 नंबर ऑर्डर किए और बहुत कंफर्टेबल है। थोड़े से बड़े हैं एकदम थोड़े से जो कि राइडिंग शूज़ नॉर्मली होते हैं। मैंने इस पर थोड़ा बहुत ट्रैक भी किया। बहुत कम्फर्टेबल थे। तो इसका रिव्यू अच्छा है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ईगो इटैली के शूज़ हैं। मैं तो बोलता हूँ कि यार 400-500 सीसी तक भी आप इस शूज़ को आँख बंद करके पहन सकते हो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्डकोर शूज़। इसमें सामने स्टील टो है। यहाँ पे फोम दिया रहता है सबके उसमें नॉर्मली दिया ही रहता है। इसकी सोल देखो अच्छी खासी है। ग्रिप अच्छी खासी मिल जाती है इसमें। फिर रिफ्लेक्टर्स भी हैं तो रात में भी कोई दिक्कत नहीं। और दिखने में भी ठीक ठाक है यार। फुल दिख रहे हैं काफ़ी मस्त। आप लोग बताओ कैसे लग रहे हैं? हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैं नहाऊँगा फिर मैं सोऊंगा क्योंकि नाश्ता कर लिया ऑलरेडी और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आई डोंट नो ये वीडियो कब आ रहा है। मैं कब एडिट करके इसको डालता हूँ। तो अब वीडियोस कंटिन्यूटी में आते रहेंगे गाइस। तो वेट करना और कुछ नया डालने का सोच रहा हूँ मैं अपने चैनल पे। थोड़े एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट दिखाना उसमें भी। वो जल्दी मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और अगर आप पूछोगे मेरे से कि इंजन लाइट आई कि नहीं आई। मैंने अच्छी खासी भगाई, अच्छी खासी ऑफ रोडिंग की। थर्ड गियर में काफ़ी हाई आरपीएम में खींचा मैंने। सेकेंड गियर में काफ़ी हायर आरपीएम में खींचा मैंने। फिफ्थ गियर पर उसको 109-110 चलाया। ज़्यादा अच्छे रोड्स नहीं आए जिसमें मैं खींच सकूँ। ट्रैफिक भी बहुत हो गया था। पर उसमें यार इंजन लाइट आई ही नहीं आज। मतलब मेरे को सरप्राइज़ हो रहा है कि इंजन लाइट कैसे नहीं आई। चेन की बहुत ज़्यादा कटकट आवाज़ आ रही है। तो उसका तो खैर जाने दो। चेन तो अपन अभी चलेंगे वॉश करा देंगे। शाम को गाड़ी भी पूरी वॉश कराएंगे। तो यार इंजन लाइट नहीं आई ये काफ़ी मतलब सरप्राइज़ चीज़ है मेरे लिए। मेरे को लगता है उसका सेंसर ही फूक गया होगा। खैर इस वीडियो को ये पेंट करते हैं भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।